गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सत्य प्रकाश देवड़ा, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत दिया था पॉलिंगर, ठीक है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अपन कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सेंट्रल एटम मेक्स अवेलेबल नंबर ऑफ एम्प्टी एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जो भी केंद्रीय धातु परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर है, उपसंयोजन संख्या है, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम आपको एस पी और डी कक्षक प्रोवाइड कराता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। दीज वैकेंट ऑर्बिटल्स अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये जो खाली कक्षक है एस पी डी कक्षक वो संकरण में जाते हैं, ठीक है। द लिगेंड्स हैव एट लीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल कंटेनिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, लिगेंड के पास कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल होगा जिसमें एक लोन पेयर पाया जाएगा, एक सिग्मा ऑर्बिटल होगा जिसमें एक लोन पेयर पाया जाएगा, ठीक है। वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम ओवरलैप विद फिल्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड, जो सिग्मा ऑर्बिटल है लिगेंड का, जो सिग्मा ऑर्बिटल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है मतलब एक लोन पेयर है, वह क्या करेगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है किसका, सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेगा। मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आपके लिगेंड, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो दोनों के दोनों लिगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मेटल के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, उपसंयोजक बंध। लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए डोनेट करता है, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये डायरेक्शनल होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहे हैं, लिगेंड से मेटल की ओर, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का आपको पता है सारे सारे डायरेक्शनल होते हैं, उसमें उसको एरो से शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है, दीज आर डायरेक्शनल, ठीक है। इफ एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, अगर संकरण में बाह्यतम कोष एन डी मतलब बाहर के जो, जैसे 3D का ऑर्बिटल है और 4D वाला यूज ले रहा है, 3D ऑर्बिटल का कोई एलिमेंट है और 4D का कोई ऑर्बिटल यूज ले रहा है 4D ऑर्बिटल, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, आउटरमोस्ट एन डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज ले रहा है जैसे 3D, ठीक है, जैसे 3D का है तो 3D ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट ले रहा है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये एक सीरीज है, इसमें लिखा हुआ है भाई कौन से लिगेंड वीक है और कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, तो आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन OH ऑक्सीलेट और H2, ये यहां तक तो आपके क्या है, वीक लिगेंड्स है। उसके बाद में जितने भी लिगेंड आ रहे हैं ये सारे सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, ये थ्योरी किसने दी थी, पॉलिंग ने। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो सेंट्रल मेटल एटम है वो आपको एस पी और डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लिगेंड के पास एक सिग्मा ऑर्बिटल होता है, ठीक है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब एक लोन पेयर होता है। लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अगर बाह्यतम डी कक्षक भाग ले रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अगर आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है, अंदर वाला डी कक्षक भाग ले रहा है N-1D, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये आपके लिगेंड की सीरीज है, अब ध्यान से सुनना, एक दो नियम में ऐसे बता रहा हूं वर्बल। इसमें क्या है कि अगर लिगेंड स्ट्रोंग है, लिगेंड क्या है, स्ट्रोंग है, अगर इनमें से कोई लिगेंड है तो वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग कर देता है, सेंट्रल मेटल एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग कर देता है, उनका युग्म बना देता है, ठीक है, जिसके कारण जो आपको कंपाउंड मिलता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण आपको हमेशा जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, लो स्पिन
कॉम्प्लेक्स। अगर आपके पास क्या लिगेंड वीक है तो उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो जो सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर दे, उनका युग्म बना दे। ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा उसके अंदर एन डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब अपन एग्जांपल लेते हैं FeCN का होल 6 3 माइनस, मतलब हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। ठीक है, आयन क्यों लगा है, क्योंकि यहां पर चार्ज दे रखा है। अब अपन देखेंगे Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑर्गन 18 36 4s2। ठीक है, तो अपन ने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। ठीक है, अब इसमें क्या है, d में 5 ऑर्बिटल्स, s में 1 और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, अब d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो ऑफ बो हुंड पाउली और n प्लस l के नियम के अनुसार सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बनने, तो पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, पांचवा इसमें और छठा वापस इसमें आएगा। इसमें आएगा तो वापस क्या हो जाएगी, उसमें पेयरिंग हो जाएगी। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का स्पिन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। अब अपने पास क्या है, 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 4p क्या है इसका, 0। अब अपने को क्या करना है, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर आती है प्लस की 3। ठीक है, तो प्लस की 3 कैसे आती है, ये माइनस की 6, ये आपका Fex इज इक्वल टू माइनस 3। अब ये 6 उस तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, प्लस के 6 में से माइनस के 3 गए तो क्या बच गया, प्लस का 3, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमने प्लस 3। अब प्लस 3 में मतलब इसमें से आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है अपना, आउटर मोस्ट सेल है 4s। ठीक है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सबसे पहले वो रिमूव होंगे, तो वो रिमूव कर दिए। अब उसके बाद 3d में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो अपने इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा है वो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा। तो लास्ट में अपन ने इलेक्ट्रॉन भरा था डी में, ये वाला पेयरिंग वाला, तो ये पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। अब अपने पास क्या बचा है, 3d5, 4s0 और 4p0। ठीक है, अब लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या कहा था, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तो उसमें क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, युग्मन हो जाता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल ही रहेगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, तो ये सिंगल ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी, तो अपने पास क्या बच रहा है, 3d में इलेक्ट्रॉन आ गई है, ये 2 ऑर्बिटल खाली। अब अपने पास लिगेंड कितने टोटल, 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितने टोटल, 6, तो 6 लिगेंड है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अपने को ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो ये देखिए, अपने पास खाली डी के कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, तो d2। एस का कितना ऑर्बिटल है, एस का 1, और पी के कितने ऑर्बिटल खाली है, 3। ठीक है, 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो d2 एस और p3 टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया अपने, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, d2sp3। अब इनर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, मतलब 3d ऑर्बिटल हो रहा है, आउटर में क्या था 4d, इसमें कौन सा ऑर्बिटल हो रहा है, n-1d, है ना, 3d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1, इसलिए क्या है, पैरा मैग्नेटिक अनुचुंबकीय प्रकार का यौगिक है। नेक्स्ट एग्जांपल के फॉर्म में अपन लेते हैं, नेक्स्ट अगला एग्जांपल COF6 3 माइनस, मतलब हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है, अब इसमें कोबाल्ट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। कॉन्फिगरेशन याद हो जाएगा 3d7 4s2, मतलब इसका जस्ट उल्टा करना है, 3d में 7 है और 4s में 2 है।
अब आपको पता रखना है हमेशा कि ये लिगेंड स्ट्रोंग है या वीक, ठीक है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो आपको आउटर मोस्ट एंड डी ऑर्बिटल यूज करना है, ठीक है। अब देखिए कॉन्फिगरेशन होता है 3D7, तो हमने 3D7 लिखा यहाँ पर 4s2, 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है। ऑर्बिटल होते हैं लेकिन ये खाली होते हैं, ठीक है। अब CO3+ क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन कितनी आती है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गई। अब एक इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकालेंगे अपने, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3 ये हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये चले गए। तो ये किसका कॉन्फिगरेशन आ गया, कोबाल्ट 3+ का। अब देखो लिगेंड कितने टोटल हमने पास 6, अपने को पता है ये वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड कभी भी पेयरिंग नहीं करता, तो मुझे टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो मुझे एस पी और डी में से ऑर्बिटल लेने हैं, टोटल 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ऑर्बिटल ये हो गया, लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 देगा ना, तो इसलिए मैंने 2 डॉट लगाए, ठीक है। एक ये हो गया 2, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल और 6 ऑर्बिटल। तो अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एस का एक ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल और डी के 2 ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया अपना sp3d2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4, टोटल कितने हो गए 4। तो ये क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक इन नेचर, प्रकृति में कैसा होगा ये पैरा मैग्नेटिक। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है sp3d2 आए या d2sp3 आए, ठीक है, तो ये हमेशा कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 6 हो, ठीक है ना। ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ठीक है। और ये कौन सा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उच्च चक्रण संकुल, क्योंकि इसमें एन डी कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है ना कि N-1 डी कक्षक, पहले बताया हुआ है। अगर बाह्यतम एन कक्षक में से आपके डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका स्पिन ज्यादा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।